कशकर कशकर बॉटल कशकर 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 करना। किचन के मामले में तो हम लोग इतने आगे हैं कि हम लोग हमारे फ्रिज को भी टेबल की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ ना कुछ चीजों को हम किसी तरह से यूज कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में कबाड़ की कमी नहीं रहती। हमारे घर में इतना सारा ऐसा सामान पड़ा रहता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसका कोई यूज नहीं हो सकता। रेडियो सिटी से मैं हूं वेद और रेडियो सिटी पर चल रहा है फर्स्ट क्रश। हम लोग आपसे कह रहे हैं कि जो भी पानी की बोतल आप यूज करते हैं उसको रीयूज मत कीजिए, बल्कि रिसाइकल कीजिए, उसको क्रश कीजिए। बिना क्रश किए मत फेंकिए और घर पे तो बिल्कुल मत रखिए। हमारे साथ में एक बहुत ही खूबसूरत सी टीम जुड़ी। रिवा हमारे साथ में है, गौरव हमारे साथ में, अंशु हमारे साथ में है, खुशी। इन्होंने कहा कि अगर आप नहीं भी करते हैं बॉटल क्रश तो भी हमारे पास में कुछ ऑप्शन है। हम कुछ ऐसी चीजें उससे बना सकते हैं जो कि आपके घर को डेकोरेट करने के काम आएंगी। ज्यादा जानकारी रिबार्ड के बारे में गौरव देंगे। गौरव क्या है रिबार्ड? रिबार्ड हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां हमने दो वर्ड से मिलाकर लिया। कबाड़ से हमने लिया बार्ड एंड रिड्यूस रियूज एंड रिसाइकल कॉन्सेप्ट से हमने लिया री। तो हमने एक कॉम्बो वर्ड बनाया जैसे रिबार्ड। इसमें हमारा ये कि वेस्ट से लोगों की कनेक्टिविटी कैसे बनानी चाहिए। वेस्ट से कनेक्टिविटी का मतलब है कि लोग आते हैं अपना वेस्ट कुछ भी पैकेट वगैरह या बोतल कुछ भी खरीदते हैं, उसे फेंक देते हैं या कबाड़ी वाले को भेज देते हैं। इनडायरेक्टली वो जाकर फिर एक डंपिंग यार्ड क्रिएट कर देते हैं। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि आपका जो वेस्ट है ये और भी तरीकों से यूज हो सकता है। पर एप्स की शायद आप इसके डंपिंग यार्ड एक बहुत बड़ा क्रिएट हो जो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो हम इससे आर्ट एंड क्राफ्ट के पीसेस बनाते हैं जो कैफे होटल्स ऑफिस में इंटीरियर के लिए यूज होते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक आइडिया है। घरों में भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अब लोग बाग घरों से भी निकल कर आ रहे हैं जो कहते हैं कि आप हमारा वेस्ट लो और इससे आप हमें इंटीरियर की चीजें बनाकर आओ। जैसे कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर मेरे सामने रखे हुए हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इतना खूबसूरत सा जिसको आप लटका सकते हैं अपने गेट पर या रूम में, ये इसके अंदर प्लास्टिक बॉटल्स है, कोल्ड ड्रिंक वाली 2 लीटर वाली बॉटल है। ये बल्ब लगाया हुआ है और कुछ इस तरह से इतनी क्रिएटिविटी के साथ में बहुत ही खूबसूरत सा कुछ बना दिया है। हमारे साथ में अंशु है। अंशु, ये जो पूरा काम आप लोग करते हैं, कितने लोग हैं आपकी टीम में और किस तरह से मतलब हर एक चीज के साथ में एक नई चीज बनाना, कैसे आइडिया? हमारी टीम में 5 लोग हैं और क्रिएटिव आइडियाज तो ज्यादा माइंड होते हैं तो क्रिएटिव आइडियाज आ ही जाते हैं। हम लोग साथ में कोऑर्डिनेट करके नई नई चीजें क्रिएट कर लेते हैं, एक सजेशन दूसरा सजेशन मिल ही जाता है तो चीजें नई नई क्रिएट हो ही जाती है। बिल्कुल खुशी, जब भी आप इन सब चीजों को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनमें आपके लिए थोड़ा सा इजी रहता है कि इनसे कुछ चीजें हम नई नई क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा इजी है, और कुछ चीजों पे थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि यार इनका तो क्या ही यूज करें हम? जैसे चीजें होती है जैसे बॉटल होती है तो उसमें अपन को थोड़ा इजी रहता है काम करना। अगर अपन अपने पास वुड होता है तो अपन एक बार सोचते हैं क्योंकि उससे बहुत कई सारी चीजें बन सकती है, पर अपन को ये देखना पड़ता है कि कौन से वुड से कौन सी चीज बेटर रहेगी, तो एक वो चीज होती है। रिवाज को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपके घर का जो भी वेस्ट है जो इस तरह का है जिसको ये लोग रीयूज कर सकते हैं उसके लिए आपको पे भी करेंगे अगर आपको अपने घर के लिए कुछ नहीं बनवाना है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नाउ रिवाज नाम से इनका पेज है और जैसे यहाँ पर कुछ चीजें रखी हुई हैं, ये एक बार गौरव मुझे बताइए कि कैसे कैसे किन किन चीजों को यूज करके आपने बनाया? ये हमारा फर्नीचर वेस्ट होता है, फर्नीचर वेस्ट से हमने इसका टी कोस्टर बनाया हुआ है जैसा आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा रेडियो सिटी का इस पे लोगो भी है और साइड में इन्होंने रिवाज लिखा हुआ है और पीछे एक अच्छा सा पेंट किया हुआ है चाय का। ये एंड ये जो हमारे कंसाइनमेंट बेस्ड की जैसे हम नॉर्मली फट्टे बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, उन फट्टों से ये हमने एक श्री कृष्णा का बनाया फॉर रेडियो सिटी के लिए छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से। क्या हुआ? तो ये इसी कॉन्सेप्ट पर है कि वेस्ट से हमने एक ब्यूटीफुल चीज बनाई और इसकी यूटिलिटी भी है क्योंकि हमने इसे की होल्डर भी लगा रखे हैं यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं। तो ये सिर्फ एक सजाने के पर्पज से भी नहीं है, ये नॉर्मली डेली यूज में आने वाली चीज भी है और बहुत ही अच्छे से इन्होंने वेस्ट को मैनेज किया है। तो जयपुर के लिए क्या आपका मैसेज है? जयपुर के लिए हमारा यही मैसेज है कि आप जैसा हमने रेडियो सिटी के साथ जुड़े कि फर्स्ट क्रश आप जरूर कीजिए, जो आपकी पानी की बॉटल्स हैं जो आप डेली यूज में लेते हैं उन्हें क्रश करके फेंकिए, उन्हें ऐसे ही मत छोड़िए क्योंकि वो जानवरों के लिए एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है और वो हमारे एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है। और अगर आपको लगता है कि आपका वेस्ट कुछ इंटीरियर या आपके घर को सजाने के लिए काम में आ सकता है तो रिबार्ड को कॉन्टेक्ट कीजिए नाउ रिबार्ड फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी नाउ रिबार्ड। और क्योंकि पानी की बॉटल्स हजारों एक दिन में हमारे जयपुर में यूज होती हैं तो उनको उतना ज्यादा यूटिलाइज करना आसान नहीं है, और भी बहुत सारी बॉटल्स हैं जो लोग आप लोग यूज करते हैं जिनको यूज किया जा सकता है, तो उनको यूज करवाइए, बाकी क्रश जरूर कीजिए।